हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और तिलक लगा के स्वागत करता हूँ आपका मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम अप्रेंटिसशिप के बारे में बात करेंगे। क्या होता है अप्रेंटिसशिप, हमको क्यों करना चाहिए अप्रेंटिसशिप, ग्रेजुएट अप्रेंटिस क्या होता है, टेक्नीशियन अप्रेंटिस क्या होता है, ट्रेड अप्रेंटिस क्या होता है, ये अप्रेंटिसशिप एक्ट आखिर है क्या, कब से इंडिया में शुरू हुआ है अप्रेंटिसशिप, इंडिया के अलावा और कहाँ कहाँ पे होता है ये अप्रेंटिसशिप, क्या फायदे हैं इसके, पास आउट से 3 साल से ज्यादा समय हो चुका है उसके बाद भी आपका अप्रेंटिस करने का मन है तो आप किस तरह कर सकते हैं, कि 1 साल का ही होता है कि अप्रेंटिसशिप, नहीं भाई 1 साल से ज्यादा का भी होता है अप्रेंटिसशिप। इसके अलावा भाई लोग बहुत बहुत सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप अप्रेंटिसशिप कहीं ज्वाइन किए थे, अब छोड़ दिए हैं, फिर से आपका कहीं और अप्रेंटिसशिप ज्वाइन करने का मन है तो क्या यह पॉसिबल है क्या, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह अप्रेंटिसशिप करना है, सरकारी जगह में किस तरह अप्रेंटिसशिप करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट मेरी क्या ओपिनियंस है इस बारे में, हर एक चीज अप्रेंटिसशिप के बारे में, हर एक चीज के बारे में बात करेंगे। बस आपको आखिरी तक बने रहना पड़ेगा भाई लोग, मेरे साथ बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है आपको। मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हैं मैकेनिकल गुरु। चलिए करते हैं इस वीडियो को शुरू। अप्रेंटिसशिप के ऊपर है ये वीडियो, अप्रेंटिसशिप के बारे में बात करने है तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि अप्रेंटिसशिप आखिर है क्या और क्यों बेसिकली अप्रेंटिसशिप कराई जा रही है। भाई लोग, आप लोग जैसा कि जानते ही हो यार, हर कोई तो टॉपर हो नहीं सकता, कुछ लिमिटेड लोग ही होते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, स्मार्ट होते हैं, बाकी लोग ज्यादातर लोग एवरेज होते हैं, एवरेज से थोड़ा गुड होते हैं। और जैसे कि आप लोग जानते हैं भाई लोग, जॉब की आजकल बहुत ज्यादा लिमिटेशन हो गई है तो एक्सपीरियंस लेने के लिए बेसिकली लोगों को वो माहौल दिखाने के लिए कि देखो कैसे काम होता है एक इंडस्ट्री में, मिनिमम वेजेस पे, कम से कम पगार में स्टूडेंट्स को, फ्रेशर्स को इंडस्ट्रीज हायर करती है कम से कम पगार में, और उन्हें प्रोफेशनलिज्म सिखाया जाता है, मतलब प्रोफेशनल कैसे काम हो रहा है इंडस्ट्री में, देखो वर्क एनवायरमेंट लो किस तरह वहां पे काम हो रहा है, सीखो ताकि आगे आने वाले समय में बेसिकली वहां का एक्सपीरियंस आपको काम आ सके किसी दूसरी इंडस्ट्री में, या फिर उसी इंडस्ट्री में अगर वहां पे अप्रेंटिस के बाद आपकी जॉब लगती है तो। बेसिकली अप्रेंटिसशिप एक आपको एक्सपीरियंस दिलाने के लिए, आपको स्किलफुल बनाने के लिए, क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं एडुकेशन सिस्टम में ज्यादातर हम थ्योरी वगैरह पढ़ते हैं, ज्यादा एक्सपीरियंस या फिर ज्यादा हमको ऐसी चीजें पता नहीं रहती कि इंडस्ट्री में आखिर हो क्या रहा है, तो एक एक्सपीरियंस दिलाने के लिए, आप कुछ स्किल दिलाने के लिए, कंपनी में काम कैसे चल रहा है वो आपको सिखाने के लिए बेसिकली ये अप्रेंटिसशिप की व्यवस्था की गई है सरकार के द्वारा। अब कब से आई है ये अप्रेंटिसशिप, जैसा कि आप लोग जानते हैं भाई लोग, अप्रेंटिसशिप का जो भी गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन निकलता है, फिर प्राइवेट का भी नोटिफिकेशन निकलता है, वहां पे लिखा रहता है अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961। तो बेसिकली इंडिया में अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 से अप्रेंटिसशिप चालू हो गई थी, लेकिन भाई लोग इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ है बेसिकली 1962 में। इसी साल 1962 में पाकिस्तान में भी नेशनल अप्रेंटिसशिप ऑर्डिनेंस की स्थापना हुई और पाकिस्तान में भी इस स्कीम का उद्घाटन हुआ था। इसके अलावा भाई लोग कई कई अप्रेंटिस के फॉर्म में लिखा रहता है अप्रेंटिसशिप एक्ट अमेंडेड 1973। तो भाई लोग 1973 में अप्रेंटिसशिप एक्ट को अमेंडेड किया गया था और यहाँ पे दो नए कैटेगरी इंक्लूड किया गया था, ग्रेजुएट अप्रेंटिस का और टेक्नीशियन अप्रेंटिस का। इंजीनियर्स के लिए ग्रेजुएट अप्रेंटिस की व्यवस्था की गई थी 1973 में और डिप्लोमा वालों के लिए टेक्नीशियन अप्रेंटिस की व्यवस्था की गई थी। और इसके अलावा इसका एक और अमेंडमेंट हुआ 1986 में, जहां पे 10+2 टेक्नीशियन वोकेशनल अप्रेंटिस की व्यवस्था की गई, यानी कि 1986 से 10+2 टेक्नीशियन वोकेशनल अप्रेंटिस भारत में शुरू हुआ। अप्रेंटिसशिप जैसे मैंने बताया भारत में है, उसके अलावा पाकिस्तान में भी 1962 से शुरू हो गया था, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, कोई भी देश देख लो भाई लोग, कोई भी देश देख लो, यूके, देशों के बहुत 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 सारे कंट्रीज है जहां पे इस तरह की स्कीम है, जहां पे अप्रेंटिस कराया जाता है लोगों को, जहां पे स्किल प्रोवाइड की जाती है पास आउट होने के बाद, कोर्स कंप्लीट होने के बाद स्किल प्रोवाइड करने का काम, स्किल देने का काम, एक मिनिमम वेजेस में एक पूरी कंपनी का माहौल आपको मिल जाता है, वह एक एक्सपीरियंस के रूप में आपको फ्यूचर में काम आता है, आप सीखते हैं उस सीख को, फिर आप कहीं पे भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, चाहे वो आप अपना खुद का कोई इंडस्ट्री बाद में खड़ा करना चाहते हो या कोई कोई मतलब
अपने ब्रांड से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट वगैरह का किसी चीज का बिजनेस करना चाहते हो, हर जगह में आपको ये एक्सपीरियंस बिल्कुल 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 काम आता है। अब हम बात करते हैं कि हमको अप्रेंटिसशिप क्यों करना चाहिए, व्हाई अप्रेंटिसशिप, हमको क्यों करना चाहिए अप्रेंटिसशिप। भाई लोग, जैसा कि आप लोग को मैंने बताया कि स्किलफुल लोगों में आजकल जो पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करके इंजीनियर बन रहे हैं या डिप्लोमा कंप्लीट हो रहा है, स्किल की कमी है। तो प्लांट में अगर आपको जाना है, प्लांट में अगर आपको नौकरी चाहिए, इंटरव्यू वगैरह क्लियर करना है, चीजों के बारे में जानना है, तो बहुत अच्छा रहता है कि आप अप्रेंटिसशिप कर ले। अमूमन ये अप्रेंटिस ट्रेनिंग 1 साल की होती है, लेकिन ये अप्रेंटिस ट्रेनिंग 1 साल से ज्यादा की भी हो सकती है। ITI वालों के लिए जो अप्रेंटिस ट्रेनिंग निकलती है, ट्रेड अप्रेंटिस जिसे बोला जाता है, वो 2 साल का भी निकलता है ITI वालों के लिए। लेकिन BE/BTECH डिप्लोमा वालों के लिए अमूमन ये अप्रेंटिस ट्रेनिंग 1 साल की होती है। तो आप 1 साल की अप्रेंटिस ट्रेनिंग कर सकते हैं किसी इंडस्ट्री से, और अगर आप ये अप्रेंटिस ट्रेनिंग सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, जहां पे ये बताया जाता है कि आपने अप्रेंटिस ट्रेनिंग सक्सेसफुली कंप्लीट कर ली है। और इस सर्टिफिकेट के दम पे आप 1 साल के एक्सपीरियंस बेसिस पर जो जॉब निकलती है उनके लिए आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। बाकी 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 आजकल बहुत सी कंपनी ऐसी हैं जो अपना नोटिफिकेशन में बोल देती हैं कि अप्रेंटिस का एक्सपीरियंस नहीं लिया जाएगा। बहुत सी ऐसी PSUs हैं, बहुत सी PSUs की ऐसी पॉलिसी है जो मानती है कि अप्रेंटिस के एक्सपीरियंस को नहीं माना जाएगा एज जनरल एक्सपीरियंस, जो नौकरी लगने के बाद जो एक्सपीरियंस मिलता है उस एक्सपीरियंस के बराबर दर्जा नहीं दिया जाएगा अप्रेंटिस के एक्सपीरियंस को। लेकिन बहुत सी ऐसी कंपनी है जैसे कि BPCL है, जो मान लेती है कि हाँ अप्रेंटिस अगर आपने किया हुआ है तो 1 साल के एक्सपीरियंस के बराबर है और आप 1 साल के एक्सपीरियंस के बेसिस पर फॉर्म भर सकते हैं। तो BPCL ही नहीं, और भी बहुत सी PSUs है जो कि ये मानती हैं कि 1 साल के अप्रेंटिस 1 साल के वर्क एक्सपीरियंस के बराबर है। और बहुत सारी ऐसी PSUs भी हैं जो ये मानती हैं कि अप्रेंटिस 1 साल के की हो या फिर कितने भी साल के की हो, वर्क एक्सपीरियंस कहलाता है। और अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तभी आप अप्लाई कीजिएगा, अप्रेंटिस है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये अलग अलग कंपनी की अलग अलग पॉलिसी होती है। तो आपको 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस मिलता है अप्रेंटिस ट्रेनिंग करने के बाद, और उसके साथ साथ आप फ्रेशर के रूप में, यानी कि जो आप फ्रेशर तो अभी भी रहेंगे ना, फ्रेशर के रूप में बिल्कुल अप्लाई कर पाएंगे। जो बिना एक्सपीरियंस की जॉब वगैरह निकलेगी उसके लिए आप बिल्कुल अप्लाई कर पाएंगे। और अप्रेंटिस के दौरान ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप आगे की पढ़ाई या फिर अपने कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी नहीं कर सकते। बेसिकली आगे की पढ़ाई, थोड़ा एक गलत वर्ड मैंने यूज कर दिया, लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी आप बिल्कुल अप्रेंटिस ट्रेनिंग के साथ साथ कर सकते हैं। इसमें कोई भी प्रॉब्लम या फिर रोक टोक नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि अप्रेंटिस ट्रेनिंग के दौरान आप पर आगे की या कॉम्पिटेटिव एग्जाम वगैरह की तैयारी नहीं कर सकते, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। तो ट्रेनिंग के साथ साथ आप कर सकते हैं अपनी तैयारी वगैरह। और अप्रेंटिस ट्रेनिंग जो होती है, इस ट्रेनिंग के दौरान आपको नहीं मिलता है कोई भी एकोमोडेशन, आपको एकदम मिनिमम वेजेस मिलती है। कितनी वेजेस मिलती है मैं आपको बताता हूँ, मिनिमम वेजेस मिलती है आपको, एकोमोडेशन तो मिलता नहीं है आपको, ट्रैवल अलाउंस कोई कोई कंपनी दे देती है, वो कंपनी की पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है। कोई कोई कंपनी अकोमोडेशन भी देती है, ऐसा नहीं है कि हर कंपनी आपको बोलती है कि हम अकोमोडेशन नहीं देंगे। कोई कोई कंपनी अपने अप्रेंटिस को अकोमोडेशन भी देती है अगर उनके पास उस तरह की व्यवस्था होती है तो। तो एकोमोडेशन आपको नहीं मिलता है, खाने पीने का खर्चा आपको नहीं मिलता, किसी और तरीके के बेनिफिट जैसे हाउस रेंट अलाउंस, डियरनेस अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, किसी तरीके के बेनिफिट जो एक परमानेंट एम्प्लॉय को मिलते हैं, वह सब आपको अप्रेंटिस ट्रेनिंग में देखने को नहीं मिलते। यह सिर्फ आपको एक्सपीरियंस देने के लिए, आपकी स्किल बढ़ाने के लिए होता है, ना कि यह कोई परमानेंट जॉब है, ना ही आप उस कंपनी में क्लेम कर सकते हैं कि आप यहाँ पे अप्रेंटिसशिप करना, मतलब अब हमको नौकरी दो ही दो, अब मैं अप्रेंटिस किया हूं तो मेरे को यहाँ पे नौकरी दो ही दो, ऐसा क्लेम भी नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम BE/BTECH डिप्लोमा और ITI वालों के लिए अप्रेंटिस ट्रेनिंग की बात कर लेते हैं। इसमें एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं, किस तरह अप्लाई किया जाता है उस बारे में, और बहुत बहुत सारी अदर डिटेल्स मैं आपको बताता हूँ। भाई लोग, BE/BTECH वालों के लिए व्यवस्था की जाती है ग्रेजुएट अप्रेंटिस के, डिप्लोमा वालों के लिए व्यवस्था की जाती है डिप्लोमा अप्रेंटिस या फिर टेक्नीशियन अप्रेंटिस के, और ITI वालों के लिए ट्रेड अप्रेंटिस रहता है। BE/BTECH वालों के लिए ग्रेजुएट अप्रेंटिस रहता है एज पर अप्रेंटिसशिप रूल्स, एज पर अप्रेंटिसशिप एक्ट, इनको 5,000 रुपए पर मंथ के आसपास मिल जाता है। डिप्लोमा वालों को 4,000 रुपीज पर मंथ के आसपास मिल जाता है, और ITI वालों को भी 5,000-6,000 रुपीज पर मंथ के आसपास मिल जाता है। भाई लोग, ज्यादातर जो PSUs हैं वो मानती हैं कि जो अप्रेंटिस रूल है उस हिसाब से ही हम पेमेंट करेंगे, लेकिन बहुत सारी PSU अलग
उनकी अलग पॉलिसी है, वो अलग तरीके से अपने अप्रेंटिस को स्टाइपेंड देती है। जैसे कि बीपीसीएल में बी बीटेक से अगर आप अप्रेंटिस यानी कि ग्रेजुएट अप्रेंटिस करते हैं तो आपको 25,000 रुपीज पर मंथ मिलता है, डिप्लोमा वालों को 16,000 रुपीज पर मंथ मिलता है। इसी तरह और बहुत 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 सारी पीएसयूज हैं, आईओसीएल, आईओसीएल जो रीजन में उनकी रिफाइनरी स्थित है उस रीजन में क्या वेजेस है, मिनिमम वेजेस उस हिसाब से देता है, प्लस 2500 रुपए एक्स्ट्रा पकड़ा देता है लोगों को। तो ऐसे करके अलग 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 कंपनी की अलग अलग पॉलिसी है, उनको कितना देना है अप्रेंटिस ट्रेनिंग को स्टाइपन वो डिपेंड करता है। मिनिमम आपको बी बीटेक वालों को 4,900, डिप्लोमा वालों को 3,900 और आईटीआई वालों को 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000 मिल जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बी बीटेक वालों को बस 5,000 मिलेगा, ज्यादा मैं क्या बोला, कंपनी की पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना स्टाइपन देना है। अब अप्रेंटिसशिप के लिए हम अप्लाई कैसे करते हैं, तो बी बीटेक डिप्लोमा वालों के लिए पोर्टल है NATS, जिसको BOAT भी बोलते हैं, NATS BOAT MHRD की ये वेबसाइट है बेसिकली, और इसी के थ्रू आपको रजिस्टर करना होता है अप्रेंटिस ट्रेनिंग करने के लिए। पास आउट के 3 साल से ज्यादा अगर हो जाता है भाई लोग तो आप इसमें अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए रजिस्टर नहीं कर सकते। लेकिन बहुत सी ऐसी कंपनी होती है जो कि आपको बोलती है कि अगर पास आउट से 3 साल से ज्यादा का समय हो गया तो भी आप अप्रेंटिस के लिए उनके पास अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको एक एफिडेविट नॉन जुडिशियल स्टैंप में जो अटेस्टेड होना चाहिए मैजिस्ट्रेट के द्वारा सबमिट करना पड़ेगा या फिर एक नोटरी सबमिट करना पड़ेगा कि आपने पहले कहीं से अप्रेंटिसशिप नहीं की है। अगर आप ये डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली सबमिट कर देते हैं तो 3 साल से ज्यादा का भी समय हो गया है पास आउट हुए तो आप बिल्कुल अप्रेंटिस के लिए अप्लाई कर पाएंगे। यह लेकिन फिर से बात वही आ जाती है, हर कंपनी यह नहीं मानती, कंपनी अलग अलग कंपनी के अलग अलग रूल होते हैं। कोई कंपनी की पॉलिसी बोलती है कि 3 साल से ज्यादा अप्रेंटिस 3 साल से ज्यादा सॉरी पास आउट हुए हो गया है तो आप अप्रेंटिस नहीं कर सकते। कोई कोई बोलती है कि हम नेट्स के थ्रू नहीं ले रहे हैं, हम अलग से रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। बहुत से पीएसयू नेट्स के थ्रू अप्रेंटिस का रजिस्ट्रेशन नहीं कराते, अपना अलग से रजिस्ट्रेशन कराते हैं। तो अगर आपका नेट्स में रजिस्ट्रेशन नहीं भी हो पाए तो टेंशन लेने वाली बात नहीं, क्योंकि बहुत सारे पीएसयू नेट्स को छोड़ बीओएटी को छोड़ अपना अलग से फॉर्म निकालते हैं, कुछ कुछ फीस भी रख लेते हैं 100-200 रुपए की और अलग से लोगों से रजिस्ट्रेशन कराते हैं। तो 3 साल पास आउट से ज्यादा अगर हो चुका है तो अमूमन मतलब आप अप्रेंटिस नहीं कर सकते। ट्रेड वालों के लिए ज्यादातर ये व्यवस्था रहती है एफिडेविट वाली कि 3 साल से और ज्यादा समय भी हो गया पास आउट हुए तो भी आप कर पाएंगे। आईटीआई वालों के लिए और कोई कोई पीएसयू बी बीटेक डिप्लोमा वालों के लिए भी यह व्यवस्था प्रोवाइड कर देती है, लेकिन हर पीएसयू का ऐसा नहीं होता। तो एनएटीएस या बीओएटी में आपको जाके रजिस्टर करना है अगर आप बी बीटेक डिप्लोमा वाले, तो आईटीआई वाले हैं अगर आप, तो apprenticeship.gov.in में जाके आपको रजिस्टर करना है। अब अगर आपने कहीं पर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए भरा था फॉर्म, आपका सिलेक्शन भी हुआ और आपने अप्रेंटिस करने के लिए ज्वाइन भी किया था और अब आपने छोड़ दिया और आप कहीं और जगह में अप्रेंटिस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अब ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि नेट्स का रजिस्ट्रेशन नंबर अगर आपके फर्स्ट अप्रेंटिसशिप जहां पे आपकी जिस कंपनी में आपकी फर्स्ट अप्रेंटिसशिप लगी थी वहां पे आपने अपना नेट्स का रजिस्ट्रेशन नंबर दिया और कंपनी ने उस रजिस्ट्रेशन नंबर पे आपकी अप्रेंटिस दर्ज कर दी होगी, यानी कि अब आप इस रजिस्ट्रेशन नंबर से कहीं दूसरी जगह अप्रेंटिस के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि अब ये रजिस्ट्रेशन नंबर इस जगह में अप्रेंटिस कर रहा है, इस ऑर्गेनाइजेशन में अप्रेंटिस कर रहा है। और अगर आप छोड़ देते हैं तो फिर आपकी अप्रेंटिस का जो भी टाइम था या फिर जो भी लिमिट थी वो सब खत्म हो गई है, अब आप दोबारा से अप्रेंटिस नहीं कर सकते। इसलिए सोच समझ के चुनना चाहिए हमको कहाँ पे अप्रेंटिसशिप वगैरह करना है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात के बारे में बात करते हैं कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में अप्रेंटिस करना चाहिए या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में। गवर्नमेंट का भी नोटिफिकेशन निकलते हैं, प्राइवेट के भी नोटिफिकेशन निकलते हैं, प्राइवेट भी बहुत सी प्राइवेट कंपनी एनएटीएस के साथ जुड़ती हैं, बहुत सी मतलब नंबर ज्यादा नहीं है, मतलब जितनी कंपनी है उस हिसाब से ये ना के बराबर नंबर, लेकिन कुछ कंपनी बिल्कुल जुड़ती हैं, कुछ अपना अलग से फॉर्म निकालती है अप्रेंटिसशिप का, कुछ अपने लोकल रीजन से ले लेती है। अलग अलग हर कंपनी की पॉलिसी होती है वहां पे किस तरह वर्किंग एनवायरमेंट है, अगर वहां पे लोकल लैंग्वेज का ही ज्यादा सहारा लिया जा रहा है काम में तो वह लोकल कैंडिडेट को लोग प्रीफर करेंगे। कोई कोई पीएसयू बोलती है कि वहां का डोमेसाइल चाहिए उस एरिया का जिस एरिया में प्लांट है, मतलब कि रीजनल लोगों को उस एरिया के लोगों को अप्रेंटिस के लिए लिया जाएगा। तो ये अलग अलग
होता है, पीएसयू का भी अलग अलग होता है, प्राइवेट का भी अलग अलग होता है। लेकिन भाई लोग कहाँ करना चाहिए, हमको गवर्नमेंट में करना चाहिए कि प्राइवेट में करना चाहिए? जैसा कि आप लोग जानते हैं प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी आज की डेट में इंडिया में बहुत बड़ी बड़ी भीमिकाएं हैं, लेकिन लेकिन अगर मैं पीएसयू से उनको कंपेयर करूँ तो गिनी चुनी है, 8-10 ठोक ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो इंडिया के बड़े बड़े पीएसयू को टक्कर दे सकती है। चाहे मैं रिलायंस की बात करूँ, जिंदल समूह की बात करूँ, अदानी की बात करूँ, या फिर ऐसे ही रिलेटेड टाटा वगैरह, ये सब कुछ इंडस्ट्री हैं जो आज की डेट में इंडिया के बड़े बड़े पीएसयू को टक्कर देती हैं। बाकी इसके अलावा और कोई भी इंडस्ट्री ऐसी नहीं है जो किसी बड़े पीएसयू को टक्कर देती हो। इसके अलावा भाई लोग, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि अप्रेंटिस के दम पे आप 1 साल के एक्सपीरियंस बेसिस पर जॉब के लिए अप्लाई कर पाओगे, और अगर आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से अप्रेंटिस करते हो तो वो सबसे ज्यादा बेटर रहता है। प्राइवेट में हाँ आपको स्टाइपेंड थोड़ा ज्यादा मिल जाएगा, आसानी से आपका 1 साल कट जाएगा, अच्छा रहेगा वगैरह वगैरह, सब चीज अलग अलग सिचुएशन रहती है। लेकिन अगर आप सरकारी से करते हो तो उसका एक्सपीरियंस ज्यादा आपके काम में आएगा। किस तरह भाई भारत सरकार के ये उद्योग काम कर रहे हैं जाके देखो। प्राइवेट तो यार थोड़ा बहुत जुगाड़ लगाओगे, आप अंकल कोई होंगे किसी प्लांट में, उनको बोलोगे तो वही आपके अप्रेंटिस करा देंगे किसी भी प्राइवेट प्लांट में। लेकिन सरकारी में किस तरह काम हो रहा है, चाहे वो एनटीपीसी हो या फिर सेल हो या फिर विजय स्टील हो या फिर कोई भी सरकारी बड़ा प्लांट हो, कोई भी पीएसयू हो, यहाँ पे किस तरह काम हो रहा है, यहाँ से अप्रेंटिस का आप एक्सपीरियंस लेंगे तो वो ज्यादा बेटर है, वो उसके आपके फ्यूचर में काम आने की ज्यादा संभावना है। ठीक है, ये मेरे ओपिनियंस है भाई लोग। आप चाहो तो प्राइवेट से भी कर सकते हैं अप्रेंटिस, लेकिन गवर्नमेंट से करोगे थोड़ा आपको सैलरी स्टाइपेंड आपको कम मिलेगा, लेकिन जो एक्सपीरियंस मिलेगा ना आपको वह फायदा करेगा आपको आने वाले समय में। प्राइवेट से करोगे उतना ज्यादा फायदा नहीं होगा, गवर्नमेंट से करोगे तो जरूर फायदा होगा। और हर एक पीएसयू अप्रेंटिस की पोस्ट निकालती है, 1961 से ये चालू है। हालांकि अभी 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 ये समय आया है जब बहुत से लोग इसके बारे में बात करना शुरू किए, मैंने अपना चैनल बनाया तब से मैंने इसके बारे में बात करना शुरू की, और बहुत बहुत सारे लोग अभी अभी अप्रेंटिस की पोस्ट के बारे में बात करना शुरू किए हैं। बहुत सारी वेबसाइट तो अभी भी अप्रेंटिस की पोस्ट को इंडिकेट करती नहीं है अपने लिस्ट में। बाकी बहुत सी ऐसी वेबसाइट है जो अब धीरे धीरे अप्रेंटिस की भी पोस्ट को लिस्ट करना शुरू कर दी हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है कि अब अवेयरनेस बढ़ रही है। तब भी मुझे नहीं लगता कि ज्यादा लोग अवेयरनेस, 50% ही स्टूडेंट्स जो कि अभी टेक्निकल पढ़ाई कर रहे हैं लोग अवेयर होंगे इस चीज से, तो अवेयरनेस बढ़ाना भी बनता है। तो इसीलिए तो भाई मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ बेसिकली। हालांकि जब मैं पास आउट हुआ था 2013 में, तब भी मुझे किसी से नहीं पता चला था कि इस तरह की कुछ अप्रेंटिस या फिर इस तरह की कुछ स्कीमें होती हैं। बहुत से अगर आप उस समय पास आउट वाले हैं ना 2009, 2008, 2011, 2012, 2013, तो आप भी मेरी इस बात से सहमत रखते होंगे कि उस समय कोई भी हमको इस बारे में नहीं बताता था। हालांकि ये चीजें 1973-1961 से शुरू हैं, लेकिन भाई लोग कोई हमको नहीं बताता था। हालांकि अब धीरे धीरे मैंने तो अपना चैनल शुरू किया, मुझे अपना पास आउट होने के कुछ समय बाद इस सब चीजों के बारे में पता चल गया, तो मैं अपने चैनल में शुरुआत से सब चीजों के बारे में बताना शुरू किया, और अब धीरे धीरे अवेयरनेस धीरे धीरे करके बढ़ते जा रही है। तो बेसिकली मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को आप प्रायोरिटी मत देना अप्रेंटिस के लिए। आप अप्रेंटिस के लिए अगर प्रायोरिटी देना चाहते हैं तो सरकारी ऑर्गेनाइजेशन को दीजिए। यही है मेरी ओपिनियन भाई लोग आपके लिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और उनको भी बता दो भाई अप्रेंटिसशिप क्या है, किस तरह इसका स्कीम है, कब से शुरू हुआ है, और हमको अप्लाई करते रहना चाहिए इसके लिए। और मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि मैं आपके लिए रोज ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लेके आता रहता हूँ। बहुत जल्दी हम लोग मिलेंगे भाई लोग। जय जवान, जय किसान।